हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, पाइथन सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की। पाइथन में आज क्या बताऊंगा आपको, देखिए पाइथन में एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि सपोज कीजिए कि अगर हम उससे कहें कि यूजर आईडी एंटर, जैसे आपसे वो कहे कि आप यूजर आईडी एंटर कीजिए, तो आप अपनी यूजर आईडी एंटर करेंगे, फिर वो कहे कि अपना पासवर्ड एंटर कीजिए, फिर आप पासवर्ड एंटर करेंगे, तो ऐसे ये कहता रहेगा कि आप यूजर आईडी एंटर कीजिए, पासवर्ड एंटर कीजिए, जब तक कि आप नो वाला बटन प्रेस नहीं करेंगे, यानी एन प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो है सीएसवी फाइल बनानी है हमको, क्या बनानी है, सीएसवी फाइल, ठीक है। ये सब किसकी मदद से होगा, सीएसवी फाइल। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो नया पेज लेंगे, नया पेज हमने ले लिया है, देख सकते हैं ये यहाँ पे जा करके, और एक न्यू पेज हमने ले लिया है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट सीएसवी। सीएसवी को हमें इम्पोर्ट करना होता है, और इम्पोर्ट करने के बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि हम राइट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ, डेफ लिखेंगे तो फंक्शन बनेगा, और डब्ल्यू आर आई टी ई राइट नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये राइट नाम से फंक्शन तो क्रिएट कर दिया, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, फाइल इज इक्वल टू एफ डॉट। अब देखिए यहां पे हम ओपन करवाएंगे इसे, ठीक है, तो यहां पे ओपन, ठीक है, ओपन लिख दिया, और उस फाइल का नाम हम दे देते हैं लाइक यहाँ पे देते हैं डिटेल्स, डिटेल्स डॉट सीएसवी, डॉट सीएसवी। सीएसवी क्या, क्यों, क्योंकि सीएसवी जो है सीएसवी के फाइल की एक्सटेंशन, मतलब सीएसवी फाइल बनाएंगे तो सीएसवी फाइल वाले फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, सीएसवी होगी, डॉट सीएसवी होगी, इसीलिए यहाँ पे डॉट सीएसवी लिखा है, ठीक है। अब डॉट सीएसवी लिखने के बाद इसमें राइट की भी परमिशन है, तो इसीलिए यहाँ पे W लिखेंगे, क्या लिखेंगे, W, W.com हम क्या लिखेंगे, W लिखेंगे। इतना करने के बाद एंटर करके नीचे आ जाइएगा, ठीक है। फिर यहाँ करता हूँ WO। अब यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर क्या करना है, इज इक्वल टू सीएसवी डॉट राइटर लगाना है, राइटर भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ राइटर लगा दिया हमने, और राइटर लगाने के बाद यहाँ पर जो इसके अंदर जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर F रखेंगे, क्योंकि फाइल जो है F नाम से है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर वापस से लिखेंगे WO, और फिर क्या करना है, इस बार हम रो में राइट करेंगे, तो राइट रो, राइट रो, ठीक है, यहां पर लिखेंगे राइट रो। और यहां पर क्या क्या चीजें राइट होंगी, तो इसमें एक लिस्टिंग कर देता हूं मैं। पहला होगा यूजर आईडी, तो ये यूजर अंडरस्कोर आईडी लिख दिया, और यूजर आईडी लिखने के बाद फिर दूसरा चीज पासवर्ड होगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पासवर्ड भी दे देंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसे डबल डॉट कॉमा या सिंगल डॉट कॉमा के अंदर ही रखिएगा, ठीक है। तो पहला तो यूजर आईडी हो गया, बंद किया, कॉमा दिया, और फिर यहाँ पर अब पासवर्ड दे देते हैं। तो पासवर्ड को कैसे लिखेंगे, पासवर्ड पूरा पी ए डबल एस डब्ल्यू ओ आर डी, आप पासवर्ड इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो लिस्ट है इसको क्लोज कर दीजिएगा, और क्लोज करके क्या करना है, यहाँ पर एक लूप लगाएंगे, कहेंगे वाइल ट्रू, टी आर यू ई, अगर ये ट्रू हो तो ऐसे में क्या होगा, तो यहां पर चीजें देखिएगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं बना रहा हूं यूजर आईडी, क्या बना रहा हूं, यूजर आईडी, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा यू, यूजर आईडी को मैं यू आईडी से डिनोट कर सकता हूं, तो यू अंडरस्कोर आईडी लिख देता हूं, स्मॉल में लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यूजर और फिर अंडरस्कोर आईडी कर देता हूं, तो ये यू आईडी हो गया। और यू आईडी क्या है, यहां पर यू आईडी लिखने के बाद यहां पर हम इनपुट करवाएंगे, यानी यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर द यूजर आईडी, यही दिखेगा आपको स्क्रीन पे, ठीक है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे यू आईडी के अंदर जो है, यहाँ पे हमने इनपुट लगा दिया यू आईडी, और जो भी आप यूजर आईडी एंटर करेंगे वो कहाँ जाकर स्टोर होगा, यू आईडी में, ठीक है। और फिर यहाँ पर एंटर करके नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे पी ए डबल एस डब्ल्यू पासवर्ड बना रहे हैं, तो पी ए डबल एस डब्ल्यू लिखा है हमने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा पी ए डबल एस डब्ल्यू। फिर यहां पे लिखेंगे इनपुट एंटर योर पासवर्ड, तो यहां लिख दिया एंटर योर पासवर्ड पी ए डब्ल एस डब्ल्यू ओ आर डी, ठीक है। अब ये लिख करके बंद कर देंगे सिंपली। अब जब बंद कर देंगे तो फिर यहां पर एक बनाएंगे हम डाटा नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये डाटा नाम से बना लिया, और डाटा नाम से बनाने के बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू यहां पर देंगे यू आई डी, यूजर आई डी था ना, तो यू आई डी जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही दे देना है। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब लगभग हमने ये प्रोग्राम क्लियर कर लिया है। अब यहां पर क्या करेंगे, जैसे पासवर्ड लिखा है वैसे ही पासवर्ड लिख देंगे, तो बिल्कुल पासवर्ड पी ए डबल एस डब्ल्यू लिखा है हमने, तो वैसे ही हमने दे भी दिया है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद क्या करना है, नीचे आना है, ठीक है। अब जैसे ही नीचे आएंगे तो आप
आपको यहाँ पर जो WO लिया था तो WO.write लिखना है। क्या लिखना है? WO.write, ठीक है। तो राइट रो लिखेंगे, तो यहाँ पर WRITE राइट रो ROW, ठीक है। और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पे डाटा को प्रिंट, मतलब डाटा को यहाँ पे लेके आएंगे, डाटा ये हो गया। अब जैसे ही डाटा आएगा तो यहाँ पर एक हम बना लेते हैं ताकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्वीनियंस हो सके। अब क्या कन्वीनियंस होगी, यहाँ पे देखिए CH नाम से करते हैं, CH इज इक्वल टू इनपुट। अब फिर यहाँ इनपुट फंक्शन लगा रहा हूँ, और इनपुट पर क्या दूंगा मैं, ठीक है, वो देखने वाली बात है। देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर, ठीक है। ईमेल जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड है, ये कई बार आपको एंटर करने की इजाजत देगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डू यू वॉन्ट टू एंटर मोर, ठीक है, इतना ही केवल लिख देता हूँ, ठीक है। और ये लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, यस और नो वाली कंडीशन रहेगी, तो यस और नो कर दिया मैंने, इस तरीके से कर देंगे यस और नो, ठीक है। और इसको बंद कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो डबल एटेड कॉमा है उसको भी हमें बंद करना होगा, ठीक है। अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, डबल एटेड कॉमा जरूर बंद कर लीजिएगा। इसके बाद एंटर करके नीचे आएंगे और फिर यहाँ इफ की कंडीशन दे देंगे, इफ सी एच, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया, इफ सी एच इन, आपने फॉर लूप पढ़ा है तो फॉर आई इन रेंज, तो इस तरीके से सी एच इन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करता हूँ, कैपिटल एन या स्मॉल एन दोनों में से कोई भी आप देंगे तो बात बन जाएगी। यानी कि आप चाहे कैपिटल एन इस्तेमाल कीजिए बाहर निकलने के लिए, चाहे स्मॉल एन इस्तेमाल कीजिए बाहर निकलने के लिए, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। यहाँ कॉलन लगा देंगे, एंटर करके नीचे आएंगे। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। तो जो भी हमारा ब्रेक कीवर्ड है, स्टेटमेंट नहीं बल्कि कीवर्ड कहेंगे इसे, तो ये ब्रेक कीवर्ड लगा दीजिए। तो ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद सीधा एकदम ये जो डेफ लिखा हुआ है उसके नीचे आ जाइएगा, क्योंकि इंटेंडिंग नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ राइट करवा दीजिए, बस ये राइट करवा दिया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक बार इसको रन करवाना है। तो रन करवाते वक्त किसी भी नाम से हम सेव कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं, .py लगा देंगे, एंटर करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है एंटर द यूजर आईडी, ठीक है। ये किस तरह की फाइल है, सीएसवी फाइल है। कैसी फाइल है, सीएसवी फाइल। तो यहाँ यूजर आईडी एंटर करता हूँ, सूरज एट द रेट 123 एंटर किया। अब कह रहा है एंटर द पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिया मैंने, एंटर किया। अब देखिए कह रहा है कि और अधिक रिकॉर्ड एंटर करना है कि नहीं करना है, तो अगर आप यस कर देते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम एंटर कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप करते हैं श्याम एट द रेट 123, ठीक है, ये हमने एंटर कर दिया। अब फिर पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पासवर्ड आप दीजिएगा। तो फिर देखिए पासवर्ड देने के बाद फिर पूछ रहा है कि करना है कि नहीं करना है। तो इस बार अगर हम एन कर देते हैं तो आप देखेंगे कि इससे आप बाहर आ जाएंगे, यानी कि हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और हम इससे बाहर आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये किस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके का प्रोग्राम दिया जाए कि सीएसवी फाइल राइट करवाने के लिए, एक बनाइए जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो है राइट करवाए यूजर द्वारा, तो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।